में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। इस एक्ट के तहत देश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पर भारी भरकम चालान काटे जाने से लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है, तो वहीं एक ट्रक मालिक को सबसे महंगा जुर्माना लगा है। दरअसल ओडिशा में अब तक का सबसे बड़ा चालान कटा है। संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ट्रक के मालिक को 6,53,100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ओडिशा परिवहन विभाग ने 7 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के तहत ट्रक मालिक को चालान की रसीद सौंपी है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार ट्रक मालिक ने पिछले 5 साल से टैक्स नहीं भरे थे, साथ ही लगातार ट्रैफिक के कई नियमों का उल्लंघन भी किए जा रहे थे। परिवहन विभाग ने जनरल ऑफेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत कुल मिलाकर 6,53,100 रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि यहां एक ट्रक का 2,00,000 रुपए का चालान काटा गया था। खैर, ट्रैफिक के नियम में आए बड़े बदलाव से कुछ हद तक तो सही भी हो रहा है, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि इतने भारी भरकम जुर्माना देश के लिए किस हद तक सही है। जो लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो इतने भारी भरकम जुर्माना कैसे दे सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।